हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है दिन मंडे, आज सोमवार है और टाइम हो रहा है शाम का। और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं शाम वाली झाड़ू, क्योंकि दिन में दो बार झाड़ू लगती है, एक सुबह एक शाम में, और बीच बीच भी लगती रहती है। जब गंदा होता रहता है तो बीच में भी लगाती रहती हूँ मैं। और आज मैंने दोपहर में ही एक वीडियो एंड किया था, जो कि कल से चला आ रहा था तो लेट अपलोड हो पाया था, इसलिए मैंने फिर दूसरा वीडियो भी आज ही स्टार्ट कर दिया, ताकि अब टाइम से वीडियो आप लोगों के पास में जाने लगे। तो बस यहाँ पे मेरी शाम की झाड़ू लग गई है। और आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, आप में से बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि दीन वाले बैगन का भरता बनाइए जो मंगाए हैं। और बैगन का भरता तो मुझे भी बहुत पसंद है, तो आप लोगों ने याद भी दिला दी, तो इसी बहाने मैंने कहा चलो बना लेते हैं बैगन का भरता। तो यहाँ पे चार बैगन थे, उसमें से मैंने एक निकाल दिया, तीन का ही बना रही हूँ, क्योंकि वो वाला बैगन मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि बैगन में अगर ऊपर से सुराग हो तो यानी वो बैगन पक्का अंदर से ख़राब है। और जब भी आप बैगन का भरता बना रहे हो ना, तो ऑप्शन में कुछ और भी रखो ऑप्शनल, ताकि बैगन भुनने के बाद अगर ख़राब निकल जाए तो आप कुछ और बना सकते हो, खाली ना बैठे रहो। तो इसलिए मैं अभी तो बैगन इसीलिए जल्दी भून ले रही हूँ कि पता चल जाए सही है या नहीं। तो मैंने इनमें क्या किया है, थोड़े थोड़े से सुराख करके इनमें लगा दिए दो दो तीन तीन लहसुन बैगन में। ये देखिए, कट लगा के लहसुन लगा दिए अंदर, और ऊपर से लगाया है सरसों का तेल। और उसके बाद गैस पे जब रखते हैं ना बैगन को, तो डंठल की तरफ से ही रखते हैं हमेशा। जब डंठल की तरफ से भूनते हैं तो बैगन बहुत अच्छा भुनता है। ये देखिए, तीनों बैगन भून के तैयार हो गए हैं, और सरसों का तेल भी इसीलिए लगाते हैं ताकि बैगन अच्छे से भुन जाए। तो बैगन भून के रख दिए हैं, और यहाँ मैं कर ले रही हूँ संध्या आरती। और जब तक ये भी ऑफिस से आने वाले हैं, तो जब तक मैं संध्या भी कर लूँ, चाय भी बना लूँ। अयान भी आ गया है पूजा कराने के लिए, ये हमेशा मम्मा के संग पूजा कराता है ना, तो इसलिए आ गया है। हेलो बोल दो सबको, सब कह रहे थे अयान कैसा है, कह दो मैं ठीक हूँ, कह दो मैं ठीक हूँ, बता दो, कह दो मैं सबको, सबसे बता दो, कह दो सब लोग से, कह दो मुंह नोच लिया। लो कट्टी कट्टी ले लो अपनी, देखो कट्टी कट्टी अपना, ये इनका है, क्या है ये, लॉलीपॉप, लॉलीपॉप है, सबको बताता है सुई कैसे लगती है, यान सबको सुई लगा के बताता है, सबके पेट में सुई लगाता है, कैसे लगती है सुई, नंदनी दीदी के सुई लगा के दिखा दो, सुई कैसे लगती है, टू से सुई लगा दो, सुई कैसे लगाते हैं डॉक्टर, पापा की चाय दे दे आप, पापा की चाय दे आए, लो दे आओ, पापा की चाय दे आओ, लो पेंट उतारोगे, लो चाय। तो चाय वाय सबकी हो चुकी है, बैगन भी ठंडे हो गए हैं, और बैगन के भरते में डालने के लिए टमाटर की ज़रूरत भी है, इसलिए मैंने तीन टमाटर भून लिए हैं, भूनने के लिए रख दिए हैं। वैसे जाली में भूनो ना बैगन या टमाटर तो बहुत अच्छे से भूनते हैं, लेकिन मेरे पास जाली नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट गैस के चूल्हे पे इनको रख के भून रही हूँ। तो बैगन मैंने तीनों छील लिए, और जब आप बैगन भून रहे हैं उससे पहले ही धुल लो, और भूनने के बाद बैगन नहीं धुलना चाहिए, वरना इनका टेस्ट ख़राब हो जाता है पानी की वजह से। तो बस भूनने के बाद मैंने हाथ से खोल खोल के एक एक बैगन को देख लिया है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ निकल आती तो मैं सारा का सारा बैगन उठा के फेंक देती हूँ। तो बस टमाटर को भी छील लिया है, भुन गए हैं, बैगन भी छील लिया है, और इसके अंदर जो लहसुन घुसे हुए थे ना, मैंने लहसुन लगाए थे, वो भी मतलब इसी बैगन और टमाटर में इसी में फोड़ लूँगी। तो इस तरीके के लहसुन का जो फ्लेवर है ना पकने के बाद, भुनने के बाद बहुत अच्छा लगता है, तो उसी में तोड़ के डाल देना है, अलग से भरते में अब लहसुन नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने तड़के में डाला है हींग, जीरा, थोड़ी सी मेथी, बिल्कुल ज़रा सी मेथी, उसके बाद खड़ी सूखी लाल मिर्च, और ये सब जब पक गए, इनका तड़का लग गया है, उसके बाद डाली है मैंने ये छोटी छोटी चॉप की हुई प्याज, दो प्याज हैं इसमें मीडियम साइज की, उसके बाद डाल दिए हरी मिर्च, हरी मिर्च और प्याज जब हो गई है तो इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डाला है थोड़ा सा, और हल्दी डाली है,
और उसके बाद मैंने इसमें मटर भी थोड़ी से छीले थे भरते में डालने के लिए। मटर ऑप्शनल है, अगर अच्छी लगती है भरते में आप लोगों को तो आप डाल सकते हैं, नहीं अच्छी लगती है तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे मटर बहुत पसंद है इसलिए मैंने भरते में मटर भी डाली है। और मटर को डालने के बाद इसमें साथ में डाल दिया नमक और ज़रा सा पानी डाल के मटर को पकने के लिए 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे, क्योंकि मटर टाइट होती है तो उसको पकने के लिए टाइम चाहिए होता है। और बैंगन तो पहले से भुना हुआ है, टमाटर भी भुना हुआ है, प्याज भी भुन गई है, इसलिए मटर को पकाना बहुत ज़रूरी है। और जब मटर पक गई है तो उसे 3 मिनट के बाद में, उसके बाद मैंने डाल दिए सारे सूखे मसाले, पिसा हुआ धनिया, मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट पाउडर भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने नहीं डाला है खटाई के लिए क्योंकि यहाँ पे टमाटर है। फिर ये बैंगन और टमाटर डाल दिया है, सबको अच्छे से चला दिया है, थोड़ा सा भून लिया है। मिर्ची काटी थी मैंने भरते के लिए और भरता बना के ही बात करने लगी, नंदनी की मम्मी का फोन आ गया तो उनसे बात करते करते आई और आँख मल ली हुई थी हाथ से, पूरा जान निकली जा रही है मिर्ची से मेरी। नंदनी की मम्मी ने रोना मुझे, तेरी मम्मी ने रुलाया, देख मिर्ची का हाथ लगा दिया। आज नंदनी रोटी बना रही है, आज नंदनी रोटी बनाएगी, अच्छी रोटी बनाती है, नक्शा अच्छा ना बना ना आज मैं दिखाऊंगी तेरी रोटी। तो मज़ेदार भरता तो तैयार हो गया है, मैंने उसमें धनिया पत्ती नहीं डाली है क्योंकि थी नहीं, थोड़ी सी थी लेकिन पुरानी थी तो फिर वो मैंने नहीं डाली। और यहाँ पे नंदनी बना ले रही है रोटियाँ, बोली मौसी मैं बना लेती हूँ रोटियाँ आज, तो जब तक ये रोटी बना रही है तब तक मैं अयान को दवा वगैरह दे दूँगी, वरना ऐसा ना हो कि वो सो जाता है जल्दी, इसलिए उसको दवा देनी है। तो एक एक करके दवा देती हूँ तो टाइम लग जाता है और वो दवा लेने में बहुत नाटक करता है, सारे बच्चे दवा लेने में बहुत नाटक करते हैं। एक दवा तो इतनी कड़वी है कि उसको पहले चीनी घोल के पानी में फिर उस दवा को मिला के फिर देना होता है, और ORS देना है तो ORS ये पीता नहीं है, बच्चों को नहीं पसंद होता है, तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा सा देना है। तो 3-4 दवा है, ORS तो पानी के तरह देना है दिन में थोड़ा थोड़ा सा। तो इसको मैंने जब तक दवा देने का नंबर लगा दिया है, वहाँ खाना बन गया है, यहाँ पर मैंने बिस्तर सारे सही कर दे रही हूँ और इसको अभी थोड़ा सा घुमा के लाए हैं क्योंकि एक दवा दी थी इसको तो थोड़ा सा इसका मूड ऑफ था, तो इसको नीचे तक घुमा के लाए हैं इसके पापा। तो जब तक मैं दूसरी दवा दूंगी अब इसे, और इसके जो कपड़े बाहर पड़े हैं वो मैं अंदर डाल देती हूँ, ये तो मेरे रोज़ाना का रूटीन है। और हॉस्पिटल से आने के बाद ऐसा हुआ था ना, थोड़ा सा सारा रूटीन इधर से उधर हो गया था, क्योंकि इस तरीके से जब होता है तो आपका माइंड सेटअप बिल्कुल अलग हो जाता है, मूड थोड़ा सा इतने दिन गैप हो जाता है ना, तो थोड़ा सा टेंशन में जब रहो आप 3-4 दिन तो दिमाग ऐसे ही हो जाता है और थोड़ा सा आपका सिस्टम भी इधर उधर हो जाता है, और इस समय अयान का भी दवाई गोली ये सब चलता रहता है, तो थोड़ा सा ऐसे ही है रूटीन मेरा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे सब मैं ठीक कर रही हूँ, सब कुछ ठीक कर दूँगी, बराबर जैसा था वैसे ही करने की कोशिश करती हूँ भले ही कितना काम हो जाए। यहाँ के सारे कपड़े हटा दिए, लाइट बंद कराई हूँ बाहर की गैलरी की, और यहाँ पे इसको अब दूसरी दवा देने जा रही हूँ, ये बहुत डरता है दवा से। और नंदनी से इसने अभी अभी थोड़ा सा रोटी ली है तो मुंह में डाल के चबाने की कोशिश कर रहा है उसे। तो यहाँ पे ये लग गया है खाना, भरता और रोटी, बहुत यम्मी सा। आप लोग भी आ जाइए फटाफट से खाने के लिए। नंदनी ने एकदम गोल गोल पतली पतली रोटियां बनाई है, खीरा भी रखे हैं, लेकिन मैं खीरे की सलाद काट नहीं रही हूँ क्योंकि रात में खीरा खाते नहीं है, मुझे लग रहा आप लोग में किसी ने बताया था मुझे कमेंट करके भी, इसलिए पूछ लूँगी इन्हें, कुछ खाना होगा तो काट दूँगी। और वैसे भी इन्होंने अपने लिए चावल भी बनवा लिए हैं क्योंकि हमने इतना अच्छा भरता बनाया, रोटी बनाई, हमारा तो इसी से हो जाएगा, इनका बिना चावल से नहीं होता, इनको शाम को चावल चाहिए, एक टाइम नहीं दिया है ना तो दोबारा तो चाहिए ही इन्हें, तो इसलिए चावल रख दिया, बल्कि हो गया लगभग। और क्योंकि आधी कटोरी नहीं, एक कटोरी भर के सब्जी रखी है अभी दोपहर की, आलू मटर गोभी टमाटर की, उससे ये खाएंगे। और कह रहे थे पनीर बना लो लेकिन भरता बनाया इसलिए नहीं बनाया है पनीर। चलो आओ, चलो खाना खाएंगे, मम्मा बहुत भूख लगी है भरता देख के, आप लोग भी आ जाइए। ये रहा खाना और सबका ही ले जा रही हूँ मैं, अपने ही बस नहीं है ये। आ जाए नंदनी, चावल हो जाए बाद में दे देना उन्हें सब्जी चावल, जब तक ये खाएंगे। बहुत ही ज़्यादा यम्मी भरता बना था, बहुत टेस्टी लग रहा था, ये तो मैंने अपने तरीके से बनाया था जैसा मुझे आता था, और आप लोग कैसे बनाते हो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं इस भरते को।
और आजकल ना मुझे बिल्कुल भी टाइम पता नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं कैसे निकल जाता है। रात में कोशिश करती हूँ आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई करने के, तो जितने कर पाती हूँ करती हूँ, फिर सो जाती हूँ। क्योंकि ऐसा हुआ ना, हॉस्पिटल में आयन को ड्रिप लग रही थी तो रात में बिल्कुल भी नहीं सो पाती थी, इसके बगल में ही बैठे जागती रहती थी कि कहीं ड्रिप को पकड़ के खींच ना दे, कहीं ख़त्म हो जाए दवा तो फिर दोबारा डॉक्टर से लगवानी है, ड्रिप ख़त्म ना हो जाए लगते लगते। तो इस चक्कर में मैं रात भर जगती रहती थी, तो उसी वजह से थोड़ा सी थकावट हो गई थी मुझे। तो कुछ नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। और यहाँ पे किचन की सफाई, यहाँ पे जो नीचे वाली अलमीरा है, यहाँ पे मेरी जमान लड़खड़ा जाती है कभी कभी, तो भारी भारी बर्तन रखती हूँ किचन के, तो वो भी मैंने अभी सर्फ से मांझ के पूरी साफ़ कर दी है, पोंछ के कपड़े से, जो बिछा हुआ था वहाँ प्लास्टिक वो हटा दिया है, और जितने बर्तन धुले थे वो सब लगा दिए मैंने। तो किचन मेरी चमाचम साफ़ हो गई है पूरी, और मैंने बास्केट को यहाँ पे टांग दिया है ताकि ये सूख जाए, अंदर रख दूँगी नीचे कवर्ड में तो सूख नहीं पाती है, इसलिए ऊपर टांग दिया है। तो मेरी किचन चमाचम हो गई है, एकदम साफ़ हो गई है। मैं कोशिश करती हूँ रात में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की, ताकि सुबह के लिए कोई काम मैं पेंडिंग में ना छोड़ूं। और मुझे अच्छा लगता है जब सारा काम करके फ्री हो के सोना, तो आपको नींद भी बड़ी सुकून की आती है, और काम छोड़ के सोना तो आपको टेंशन लगी रहती है सुबह की कि सुबह उठ के काम बहुत ज़्यादा पड़ा है। इसलिए सुकून से सो, भले ही थोड़ा सा लेट सो, तो लेकिन इस काम में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ज़्यादा किचन में जब समेटती हूँ उसके बाद, तो आधे घंटे में मैं पूरी किचन साफ़ कर लेती हूँ, समेट लेती हूँ, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वही आप सुबह जब उठ के करते हो तो आपकी बॉडी थोड़ा सा लूज़ होती है सुबह, मतलब उतनी एक्टिव नहीं होती है उठते ही, तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, रात में पूरी एक्टिव रहती है। तो चलिए, ये सब हो गया मेरा रात वाला रूटीन, जो कि हॉस्पिटल से आने के बाद मेरा यही रूटीन चल रहा है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ हर चीज़ अच्छी तरीके से करने। और टाइम हो गया है 10:30, वैसे तो मैं 9:30 तक सारा काम फिनिश कर देती हूँ, लेकिन इस समय थोड़ा सा लेट हो जाता है दवा वगैरह देने में आयान को। लेकिन हाँ, कितना भी लेट हो जाए, काम सारा फिनिश करना होता है मुझे इसी टाइम पर। और आज आप लोगों को बैंगन का भरता भी बना के खिला दिया है, कैसा लगा है वो भी मुझे बताना है कमेंट करके। और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बाय बाय बोलते हैं क्योंकि रात हो गई है काफ़ी ज़्यादा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ में, ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नए नए वीडियोज़ ब्लॉग आपको ऐसे ही मिलते रहें।